अरे दोस्तों, क्यों होता है ना कि कैशलेस पेमेंट पेमेंट करते वक्त हम ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। देखो भाई, कैशलेस पेमेंट से लाइफ तो आसान हो गई, लेकिन खर्चे भी बच सकते हैं। जब हम कैश से पैसे देते हैं तो हर नोट का एहसास होता है, पता चलता है कि कितना खर्च हो रहा है। लेकिन डिजिटल पेमेंट में तो बस एक नंबर बदलता है, खर्च का एहसास ही नहीं होता। मोबाइल वॉलेट और कैशबैक ऑफर तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन ये हमें और भी खर्च करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कैशलेस पेमेंट में बजट बनाकर चलना मुश्किल हो जाता है। एनएफसी और क्यूआर कोड से पेमेंट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन खर्च पर कंट्रोल खोना भी उतना ही आसान है। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो पैसे देने की सुविधा तो मिल जाती है, लेकिन ब्याज और दूसरे चार्जेस को भूल जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो क्या करें? सबसे पहले हर महीने का बजट बनाओ और उस पर नजर रखो। कैश निकालो और उतने में ही खर्च करो। ऑफर्स के झांसे में मत आना और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदना। और हाँ, अपने सारे लेन देन का हिसाब रखो। कैशलेस पेमेंट का मजा लो, लेकिन समझदारी से खर्च करो। इससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा।